हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम मुच्छी। बड़े ही दिल के साथ स्वागत है आप सभी का। क्या आपको भी यानी कि आपकी पेरेंट्स यानी कि आपकी मॉम, आपकी ग्रैनी, मेरी मॉम और ग्रैनी की तरफ बोला करती थी कि मलाई लगाओ दूध का ताकि तुम्हारे स्किन से डेड सेल हट जाए, स्किन ग्लो करे। पर अभी तो दूध में मलाई गिरता भी नहीं है। बट उसी तरह का एक स्क्रब जरूर है जो डेड सेल भी हटाएगा और स्किन को भी ग्लोइंग बनाएगा, और वो है द सोमीज कैन प्रोडक्ट का, सीक्रेट ऑफ आयुर्वेदा का मिल्क मास स्क्रबर। और ये 100 ml का आता है 255 के प्राइस पे। 2 साल की इसकी सेल्फ लाइफ है तो 2 साल की इसकी सेल्फ लाइफ है। इसकी कॉम्पोजिशन यानी कि इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पे है घृत कुमारी, दारू हरिद्रा, रोज, हनी, मिल्क, वॉलनट चूर्ण, सिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, प्रोपिल पैराबिन, मिथाइल पैराबिन, कलर और प्यूरिफाइड वाटर। नेचुरली ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन से डार्क पैचेस को हटाता है, स्किन टोन को एनहेंस करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और इवन टोन का बनाता है। तो ये कुछ इस तरह सा है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है। पर मुझे एक चीज खटकती है, पैराबिन के सीक्रेट ऑफ आयुर्वेदा लिखा है, पर मैंने जहां तक रिसर्च किया है, जहां तक मुझे पता है, आयुर्वेदा कभी केमिकल का सहारा नहीं लेता है। वो टोटली केमिकल फ्री और टोटली नेचुरल होता है, पर यहाँ पे पैराबिन है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। अंदर से देखते हैं, ये कुछ इस तरह का कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, गोल्ड डब्बा के अंदर। आप इसे यूज अगर करना है आपको, आप चाहे तो मास्क की तरह लगा के 5 मिनट रहने दे, उसके बाद आप स्क्रब करके इसे वॉश कर ले। पर मैं इसे रखती नहीं हूँ, मैं इसे थिक लेयर पे लगाती हूँ और हल्के हाथों से पानी दे दे के मसाज करके मैं इसे धो लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट फिनिश होके आया है, थोड़ा सा इस पे पड़ा हुआ है। ये कुछ इस तरह का व्हाइट कलर का दिखता है, बिल्कुल ना इसका एकदम मलाई के जैसा हल्का स्मेल है। केमिकल है इसमें पैराबिन से, तो स्मेल थोड़ा चेंज हो जाता है, बट बिलीव मी आपको हल्का मिल्क और मलाई का स्मेल जरूर आता है इसमें। और इसका जो स्क्रबिंग पार्टिकल्स है, मीन्स यू कैंट बिलीव दिस, वो आपको फील ही नहीं होगा कि इस पे स्क्रबिंग पार्टिकल्स है, बट है। और आपकी स्किन से डेड सेल को इफेक्टिवली रिमूव भी करते हैं और बिल्कुल मलाई के ऐसा फील होता है, आपको स्किन में लगता है ना कि आप मलाई लगा रहे हैं। सच में बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सा फीलिंग होता है। और जब आप ऐसे स्क्रब करके इसे जब रिमूव कर देते हैं ना, उसके बाद आपको एक ऐसी क्लीन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। यू कैन सी, आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा यहाँ का और यहाँ का, एकदम आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। डर्ट को अंदर से ये निकाल देता है, ये स्क्रब सॉफ्ट बनाता है स्किन को बहुत ही ज्यादा, और ग्लोइंग भी दिख रही है। ये जो क्लेम करता है एक्चुअली ये करता है, आपको डिफरेंस बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। मैंने यहाँ स्क्रब किया है, यहाँ नहीं किया, दोनों का डिफरेंस सी, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली ये वर्क करता है, मैं ये कह सकती हूँ। आप इसे वीकली 2 to 3 times आराम से यूज कर सकते हैं। और ये जो जो क्लेम करता है ना डार्क पैचेस को, इससे उठाते उठाते यानी कि क्लीन करते करते काफी लॉन्ग टाइम लग जाती है। अगर अगर आपको रोज का टैनिंग है, आज टैनिंग आया है, आज आप स्क्रब करेंगे ना, 90% क्लीन कर देगा, डर्ट को डीपली जाके खींच के निकाल देता है, स्किन को ग्लोइंग और बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। हाँ, जो क्लेम करता है ये वो करता है। तो मैं इसे रैंक अगर देना चाहूँ ना, तो मैं केमिकल के वजह से इसकी काफी सारी पॉइंट कट करने वाली हूँ, और इसका जो इफेक्टिवनेस है उसके लिए अगर मैं इसे पॉइंट दूँ तो मैं इसे 5 दूंगी 10 में से। उम्मीद है आज की ये छोटी सी रिव्यू आपकी काम आएगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।